नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। देश की राजनीति युगों युगों से धर्म के कंधे पर चढ़कर ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूना की चाहत रखती है। सदी बदल गई, साल बदल गए, सियासतदानों के चेहरे बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है देश की राजनीति का तरीका। और अगर धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कोई भगवान याद किए गए हैं तो वो है राम जी। हाँ, राम के नाम की चर्चा होना जायज है क्योंकि एक बार फिर यूपी में चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में बीजेपी अपने पुराने तर्कस से राम नाम के बाण से विरोधियों पर वार करेगी। ये सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को तरह तरह से जोड़ने का मरने का काम अगर किसी मुद्दे ने सबसे ज्यादा किया है तो वो अयोध्या मंदिर का मुद्दा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विकास की समीक्षा की। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखा। तो अयोध्या का जो ब्लूप्रिंट है उसे बार बार अब देखा जा रहा है, विकास की बातें हो रही हैं, अयोध्या पर अब बीजेपी की नजरें बनी हुई हैं। आज इसी पर चर्चा होगी कि क्या अयोध्या को विकास का केंद्र बनाकर बीजेपी नैया पार लगाना चाहती है। इसी के साथ एक बार फिर राम नाम से क्या होगा बेड़ा पार, ये भी आज का बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद यादव जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ बृजेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहला सवाल विनोद जी आपसे मेरा है कि एक बार फिर राम नाम की बांसुरी जो है वो बजने लग गई है, और राम नाम को लेकर क्योंकि विजन ऑफ अयोध्या जो है एक बार फिर से डेवलपमेंट के लिए जो विजन तैयार 2051 का जो था उसके पन्ने पलटने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ गई है। जी विनोद जी, ऐसा है, आप लोग राम नाम के लिए राजनीति, भारतीय जनता पार्टी कोई राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। आपको स्पष्ट कह दूं, राम हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर था कि जब भी सरकार सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी की तो हम कहीं ना कहीं राम मंदिर बनवाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा वो पार्टी करेगी। इसलिए राम मंदिर को आप राजनीति से दूर रखिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास और केवल विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। एक स्वच्छ और एक साफ सरकार, एक लॉ एंड ऑर्डर, इतना अच्छा बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने दिया है। आप देखो गुंडे माफियों का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सफाया हो गया है। एक तरह से हम सुशासन पे, विकास पे, इन मुद्दों पे राजनीति करते हैं। राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का, हमारी श्रद्धा का विषय है राम मंदिर। मैनिफेस्टो में बात तो आपने मैनिफेस्टो की करी है, लेकिन मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा था। और मैंने आपको 2051 की जो बात करी है तो वो मॉडल 2051 का था अयोध्या का, लेकिन उस पर पन्ने अभी से पलटने शुरू हो गए हैं, अयोध्या पर फोकस सबसे ज्यादा हो गया विनोद जी, इसलिए सवाल पूछना तो बनता है। अयोध्या फोकस होना लाजमी है, क्यों? अयोध्या के अंदर आप देखो ना, अयोध्या अब उत्तर प्रदेश के अंदर आज से पहले जितना सबसे ज्यादा टूरिज्म आता था आगरा, लेकिन आज वो टूरिज्म कहीं ना कहीं धार्मिक टूरिज्म के रूप में अयोध्या आएगा। तो इसलिए अयोध्या का विकास हो रहा है, पूर्वांचल का विकास हो रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फोकस तो अयोध्या पे होना लाजमी है। पूरे विश्व की नजरें थी, सबसे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व का सबसे लंबा मुकदमा चलता है, उसके बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है और एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर लोगों की नजरें होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के ऊपर राजनीति ना तो कभी की है ना कभी करेगी। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय हो सकते हैं राम जी, हमारे आस्था का विषय हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी भी राजनीति का विषय राम जी नहीं रहे। ब्रिजेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो विनोद जी ने बोला, आपको कितने प्रतिशत वो सही लगता है कि कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं लिया? लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि राजीव गांधी ने, हालांकि अयोध्या में उन्होंने सबसे पहली आवाज उठाई थी राम मंदिर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने में बीजेपी बहुत कारगर साबित हुई है, आप लोग को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इस पर भी आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज कॉमन है, उन्होंने क्या कहा ये हमारे लिए माने नहीं रखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ 10,000 झूठ 15,000 झूठ बोलने के बाद नकार लेना ये उनका स्वभाव है, और जो कहना वो ना करना, जो कहना उससे कह करके मुकर जाना, समाज को गुमराह करना, भय और डर का वातावरण बना करके जनता के भावनाओं का दोहन करना,
वो लोग चुनाव हमेशा इसी पर लड़ते रहे जब से संघ का निर्माण हुआ और जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिसमें अभी पिछले 3 महीनों में 10 लाख से ऊपर लोग मौत के मुंह में समा गए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका अगले क्लास में जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं फीस न देने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कितने लोगों की शादियां कैंसिल हो गई, प्राय मची हुई थी, सरकार न कहीं ऑक्सीजन दे पा रही थी न किसी व्यक्ति को भर्ती कर पा रही थी, तो जो और महंगाई बिल्कुल ब्रिजेंद्र जी हम ये सब हमने भी देखा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर आप इतिहास को दोबारा से एक बार देखें तो 82-84 में जिस पार्टी के पास 2 सीटें थी आज उसका अस्तित्व क्या है और आज वो कहां पर खड़ी है, और आप जो 400 सीटें वो कहां यूपी पे है तो ये भी तो सच है, और उसी राम मंदिर को अयोध्या को लेकर ही बीजेपी लगातार चली है। ये बिल्कुल 100% सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर पार्टी थी सबसे मजबूत पार्टी है, हम जो सबसे मजबूत पार्टी थे वो सबसे कमजोर पार्टी है समय में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए केवल भगवान राम को चुनावी मुद्दा बनाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां गई, या हम भारतीय राम की राजनीति में मंदिर की राजनीति कहीं बाप हो और चीजें बाप ना हो ये ना करने की वजह से हम पिछड़ गए, ये सब बातें महत्वपूर्ण माने नहीं रखती हैं। माने रखती हैं जनता का जो कोर इशू है, जो आज बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है जिससे त्राह त्राह कर रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और अभी बहुत प्रशंसा कर रहे थे अलरी विनोद यादव जी कह रहे थे कि बहुत उमदा लाइन ऑर्डर है जी। तो कैसा लाइन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, कौन सा लाइन ऑर्डर? लाइन ऑर्डर नहीं है, एक तानाशाही है, एक अहंकार है, एक झूठ का इन्होंने आडंबर खड़ा कर रखा है। आप गांव में जाइए, समाज को देखिए, पूरा लाइन ऑर्डर दिखाई पड़ जाता है कैसा लाइन ऑर्डर है। चीजों को दुरुस्त करिए, कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस करेगी कि जो 2022 का चुनाव हो जी। वो मंदिर कितना सुंदर बनेगा, कितना भव्य बनेगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी जितना बताना हो बताए, लेकिन और वो उसके लिए ट्रस्ट बना हुआ है, वो बनाएगा उसे। बिल्कुल विनोद जी, आप सवाल सवाल पूछेंगे शिक्षा पर, बिल्कुल ब्रिजेंद्र जी सवाल तो यहाँ पर भी आएगा। विनोद जी आपका क्या कहना है कि जिस तरह से लगातार ब्रिजेंद्र जी ने कहा कि आपने कहा कि हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हाल बेहाल है, स्थिति बहुत कमजोर है, आपको क्या जवाब देना है इस पूरी बातों पर इनकी? देखिए ये लोग तो कहेंगे कमजोर है, लेकिन आप लोग मूल्यांकन कीजिए, आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से और माध्यम मूल्यांकन कीजिए पिछली सरकारों के अंदर और इस सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कितना बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, आप लोगों को सतह दिख जाएगा। उसके बाद मेरे मित्र ने कहा कि कोरोना के ऊपर आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय ने तारीफ की है जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, WHO ने तारीफ की है कि जिस प्रकार से कोरोना के ऊपर मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, और टेस्ट जो मानक थे WHO के उससे 9 गुना ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना के डेली किए हैं, और उसी के कारण आज हम कोरोना से लड़ाई जीतने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लगभग में कोरोना से लड़ाई जीत चुके हैं। कोरोना को लेकर लेकिन सवाल भी उठे थे आपकी पार्टी पर विनोद जी, जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत बेड की किल्लत आई उस पर सवाल भी तो उठे थे। हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कोरोना को लेकर उसके लिए काम किया, अस्पतालों के अंदर बेड ऑक्सीजन, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश 24 करोड़ लोग उसके बावजूद इतनी अच्छे तरीके से संभाला। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, आप पंजाब की हालत बता दो। वो भी विनोद जी हमने देखा जब लोग एम्बुलेंस में मर रहे थे, एम्बुलेंस की किल्लत थी, आपके ही विधायकों द्वारा पत्र लिखा गया कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। खैर हम कोरोना वाले मुद्दे पर नहीं बात करेंगे, ना उस मुद्दे पर है, अयोध्या के मुद्दे पर है, तो उस पर बताइए आप। विजन ऑफ डॉक्यूमेंट पर जेपी नड्डा तक ने
तमाम अधिकारियों से चर्चा करी और इसको लेकर अभी इतनी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुरंत तत्काल प्रभाव से विजन ऑफ डॉक्यूमेंट पर चर्चा और इसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कार्य हुआ है अयोध्या, क्या नहीं हुआ है, इसको लेकर पूरा मंथन होने लग गया। अयोध्या का राम मंदिर का जो विषय है वो तो ट्रस्ट बनवाएगा, अयोध्या के अंदर विकास का कार्य है निश्चित रूप से सरकार का काम है, अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट की दूसरी योजनाएं हैं। और तो अयोध्या का विकास तो इसीलिए याद आया ना क्योंकि 2022 का चुनाव है। जी नहीं, आप ये लोग आप बोल सकते हो, हमारे विपक्ष के लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर जितने भी तीर्थ है सबका विकास करना चाहती है, सबको डेवलप करना चाहती है, उसी की कड़ी में अयोध्या भी आता है। आप चाहे देख लो मथुरा के अंदर भी विकास के अनोखे अनोखे कार्य हो रहे हैं, ऐसे जितने भी तीर्थ आते हैं तो उन सबका विकास करने का काम नामि गंगे इसी का एक हिस्सा है। तो ये आप कह सकते हो कि खाली अयोध्या पे फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के लोगों का भी तो विकास हुआ राम मंदिर के नाम पर, जिस तरह से भूमि के लिए जो घोटाला सामने आया है। घोटाला आप साबित कीजिए, घोटाला तो है ही नहीं, वो आपके सामने पूरे तथ्य चंपत राय जी ने रखे हैं और उन तथ्यों को झुठला भी नहीं सकता है। खरीद हुई, जब उसकी सेल डीड हुई, दोनों में अंतर था, उसके बाद जाके पूरी प्रक्रिया कानून के तरीके से पूर्ण हुई। ये नहीं है कि उसके अंदर कोई घोटाला हुआ, घोटाला को साबित करे और जो संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, तो आपको पहले बता दिया गया कानून के तरीके से नहीं, लेकिन 15 मिनट के अंदर इतना फासला रकम में, ये तो सवाल उठते ही है। खैर, अयोध्या का जो विजन ऑफ डॉक्यूमेंट है उस पर बताइए कि आप जो कह रहे हैं नमामि गंगे के तहत हुआ या ये हुआ, ठीक है हम मानते हैं कि आप अयोध्या के विकास के लिए तत्पर हैं और उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन चुनाव भी नजदीक है तो जोड़ के तो देखना ही जाएगा। नहीं, वो तो हर चीज चुनाव से जुड़ी जाएगी, इस टाइम डेवलपमेंट जितना भी अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो, आप अगर डेवलपमेंट है तो विकास चुनाव से जरूर जोड़ा जाएगा। और हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, आज देखो ना, अगर अयोध्या डेवलप होता है तो उसके अंदर पूर्वांचल के लोगों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोजगार का सृजन होने वाला है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल हम प्रोजेक्ट करेंगे ना उसको, एक बताओ ना, अगर हमारी सरकार ने वो कार्य किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने दिया है तो हम उसका प्रचार तो करेंगे। ब्रिजेन जी, आपको क्या लगता है, अगर विजन ऑफ डॉक्यूमेंट सफल होता है और अयोध्या में विकास की गति मिलती है तो रोजगार भी मिलेगा, तो क्या लगता है नुकसान कांग्रेस को होगा क्योंकि एक बार फिर से अयोध्या और राम मंदिर को घेर लिया है बीजेपी ने? देखिए, रोजगार सृजन करना भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में कभी था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती अगर किसी को रोजगार देने लगेंगे वो केवल डर, दहशत और भय का माहौल बना करके जनता को डराते हैं कि अगर फलाना पार्टी आ जाएगी तो भारत खत्म हो जाएगा, फलाना पार्टी आ जाएगी तो धर्म खत्म हो जाएगा, फलाना पार्टी आ जाएगी तो आप खत्म हो जाओगे। तो विकास के रोजगार की बात तो ये लोग करते हैं तो हंसी लगती है, नहीं तो भारत के लोगों को याद कराना पड़ेगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 के पहले 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, तो क्या वो 100 में से एक भी स्मार्ट सिटी कहीं हिंदुस्तान की किसी कोने में बनी? लोग पूछने लगेंगे। बुलेट ट्रेन की बात हुई थी अगर आपको याद हो जी। तो लोग ढूंढने लगेंगे कि ट्रेन बुलेट करने के बजाय जो चल रही थी वो भी बंद हो गई। 2 रुपए का प्लेटफार्म कांग्रेस के समय में था, 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकट हो गया। किसी एक जो सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है हमारे भारत में, उत्तर प्रदेश में 65% युवा रहते हैं, वो मोटरसाइकिल से उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, 100 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। तो विकास उकास की बात इनके सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। हाँ, वो भगवान का नाम लें, राम राम जपें, हो सकता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि लोग अपनी पीड़ा भूल जाएं। जब डर की बात करेंगे आप, डराएंगे तो लोग, डरा हुआ आदमी कभी अधिकार की बात नहीं करता। जब धर्म खत्म होने लगेगा ये बताएंगे सब, अरे भाई आपकी सरकार है। इस तरह से हमने देखा लगातार कई तीर्थ नगरियों के तो चक्कर प्रियंका गांधी ने भी काटे, कई तीर्थ स्थल के चक्कर प्रियंका गांधी ने भी काटे, हाल फिलहाल में वो बैठ गई है लेकिन कई तीर्थ स्थलों पर वो भी गई, वेश बदला, हर चीज हुआ प्रियंका गांधी का, आपने भी देखा होगा। आपको आवाज आ रही है? ब्रिजेश जी, मैं कह रही हूँ हर तीर्थ स्थल पर तो आपकी पार्टी के भी लोग गए, प्रियंका गांधी भी बहुत सक्रिय हुई थी उत्तर प्रदेश में, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में वो शांत बैठी हुई है। देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सक्रिय हुई नहीं थी, सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा अगर जन मुद्दों को पूरी सड़कों पर उठा रहा है जनता के बीच में तो अकेली कांग्रेस पार्टी, और आदरणीय प्रियंका जी आने वाले हफ्ते के अंदर
और जब तक चुनाव होगा लगातार उत्तर प्रदेश के सड़कों पर होगी इनकी नाकामियों को लेकर के और जनता की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि ये जो भी योजना बनाना हो बनाए। लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ, बीच में सक्रिय हो के फिर अभी कहाँ है प्रियंका गांधी? आपने कहा कि मुद्दों को उठाएंगी, लोगों के बीच जाएंगी, तो क्या चुनाव नजदीक और आ जाए उसका इंतजार? नहीं सही, क्योंकि अभी तो नहीं दिख रही है वो। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता कभी नहीं आया जी। अब ये पंचायत इनका होने दीजिए, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव खत्म हो जाए, प्रमुखों का चुनाव खत्म हो जाए, 6 महीने का समय होगा उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी नई विधानसभा चुनने के लिए, और 6 महीना बहुत ज्यादा समय होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो पार्टी के वर्कर हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो सब जनता के बीच में हैं। हमारे लेकिन ब्रजेंद्र जी क्या लगता है आपको, आप जो विकास की राह पकड़ने की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने तो अपने तुरुप का इक्का निकाल दिया है, अयोध्या का विकास विजन ऑफ डॉक्यूमेंट उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि आपकी मेहनत पर कहीं ना कहीं राम मंदिर भारी नहीं पड़ जाए? मैं नहीं जानता कि विनोद यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो क्या विकास हो रहा है मैं वो भी देख रहा हूँ, और क्या विकास बनारस में हो गया जहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि कैसे घरों में 3 फुट पानी घुस जाता है बरसात शुरू हुए के होने के पहले, और 7.5 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद हैं। अयोध्या में भी क्या विकास होने हो रहा है, हम वहीं के रहने वाले हैं, सब देख रहे हैं, जनता भी देखेगी, कहीं ये अयोध्या हमारे ही पृथ्वी पर है, हमारे विधानसभा में गोंडा का रहने वाला हूँ, अयोध्या में अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो चंदा चोर लोग कैसे पैसे को लूट लिया जाए, अभी तो लूट चल रही है, तो उनको जो करना हो करें, हम चुनाव इस जनता के फोकस मुद्दों पर ही रखेंगे। ठीक है, हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, विनोद जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी तमाम बातों का ब्रजेंद्र जी, इसी पर चुनाव फोकस रहेगा और इसी का जवाब जनता के बीच में इनको देना होगा, लोगों की पीड़ा का जवाब देना होगा। ठीक है, विनोद जी से जवाब ले ले आपकी बातों का, विनोद जी जवाब दीजिएगा इनकी बातों का, लेकिन उससे पहले मेरा भी सवाल यही है कि कोरोना काल में प्रयागराज और संगम नगरी तमाम जो हम लोगों ने गंगा किनारे जिस तरह से लाशें देखी और जिस तरह से आज भी प्रयागराज की वो तस्वीरें आपको याद ही होंगी, तो क्या उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर के राजनीति करती है, डरा के राजनीति करती है, मैं कहना चाहता हूँ डराने वाली राजनीति हमेशा और कांग्रेस पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी सबके राजनीति करती है। कल का जो काला दिन था, आपातकाल किसने लगाया देश के अंदर? आपातकाल भारतीय जनता पार्टी ने लगाया क्या? आपात डराने की राजनीति, इससे ज्यादा बड़ी डराने की राजनीति देश के अंदर शायद ही कभी हो सकती है, देश पे कलंक है आपातकाल, और ये आप लोगों ने डराया देश को। मुद्दे से ना भटकिए, आप मुझे ये बताइए ना, प्रयागराज में जो विकास हुआ आप क्या उस विकास की बात कर रहे हैं? प्रयागराज की बताता हूँ आपको, प्रयागराज में आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जागरण ने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक तस्वीर, दैनिक जागरण 2018 के अंदर वही तस्वीर छापी थी और 2021 के अंदर कोरोना के बाद सेम वही तस्वीर छापी गई है। आप सीधे सारे से इसे नकार रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो तस्वीर, अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आया था कि 43% अधिक मृत्यु दर है जो आंकड़े दिखाए गए बीजेपी के जरिए, उससे ज्यादा है। इंडिया टीवी ने इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था और वहां पे दैनिक जागरण अखबार यूपी का जो है, जिस पत्रकार ने 2018 के अंदर फोटो खींची थी उसी पत्रकार की वो फोटो 2021 की है और उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि बिल्कुल कोरोना काल में मौतें नहीं हुई है, मैं मानता हूं कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो आपने लाशें दफनाने वाली बात की है वो 2018 में भी दफनाई जाती थी, 2021 में तभी बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आपको महामारी की लाख को ऐसा, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, महामारी की ही कब्रें नहीं थी, वो कब्रें उन लोगों की थी, कई ऐसे पंथ हैं अयोध्या के प्रयागराज के आसपास, कई ऐसे पंथ हैं जो अपने लोगों को दफनाने जाते हैं और आज भी आप वहाँ चले जाएंगे, आप लोगों को तस्वीरें जो थी वो कोरोना काल की थी और वो जो लाशें थी वो भी कोरोना काल की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीरों को ये नहीं बता सकते कि वो तस्वीरें कब की थी, इसी बार की थी। जिस पत्रकार ने वो तस्वीर खींची है, मैं उस पत्रकार को बता रहा हूँ आपको ना, 21 के अंदर पत्रकार ने खींची और उसी पत्रकार ने 2018 के अंदर भी तस्वीर खींची थी, वो दैनिक जागरण का पत्रकार है, आप लोग पता कीजिए, मीडिया का नाम मत लीजिए विनोद जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कब फोटो ली कब नहीं ली, लेकिन जिस तरह से हमने कोरोना में देखी स्थिति, क्या आप उस विकास की बात कर रहे हैं? मैं ये बस आपसे जानना चाह रही हूँ।
कोरोना की स्थिति 2022 के चुनाव में आप वही विकास लेके जनता के बीच में उतरेंगे? कोरोना विकास है तभी कोरोना इतनी अच्छी तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ कोरोना का। अगर विकास नहीं होता इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, तो कोरोना की स्थिति इससे बहुत भयावह होती। लेकिन योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी मेहनत के साथ काम किया और कोरोना पे कंट्रोल किया। पूछो इन लोगों से पंजाब की क्या हालत हो गई थी कोरोना के समय में। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप बता दीजिए क्या विकास की, आप गंगा कौन सी बहाने वाले और अभी तक क्या विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है? आज से पहले पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक ऐसा गांव बता दीजिए जिस गांव के अंदर बिजली ना पहुंची हो, ऐसे अनेकों गांव। आज भी कौन से गांव, कितने गांव है बताइए, आप मुझे नाम बताइए गांव, किस गांव के अंदर बिजली नहीं पहुंची। सौभाग्य योजना के अंदर यूपी के अंदर 100% गांव के अंदर ऐसे आप पहुंच चुकी है। बहुत दूर गांव में मत जाइए, आप विकास की बातें बता रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे कौन से गांव, मैं आपको लेके चल सकती हूँ, मैं डेली यहाँ बैठती हूँ, मुझे पता है आज तक आपके शौचालय तक लोगों को नहीं पड़ा, आज तक लोगों को शौचालय तक नहीं मिला है। यही तो बोल रहे हैं, देश का दुर्भाग्य देखिए ना, इस देश के अंदर 70 साल सरकार शासन कर रहे हैं, सरकारों को आज भी हमें शौचालय बनवा के देने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दे रही है लोगों को शौचालय बनवा के। जी 5 साल, बिल्कुल 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको पेश करना है, विकास का मुद्दा आपको रखना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारत का सबसे समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, किस उद्घाटन हमारी सरकार में हुआ और हमारी सरकार ही इसका पूरा करके जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को। किसानों का मुद्दा भी है, किसान सड़कों पर है विनोद जी, बिल्कुल उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, किसान है ही नहीं वो लोग जो चंद मुट्ठी भर लोग किसान कहते हैं, वहाँ पे डेली की डेली आप देखते हो कभी वहाँ रेप हो रहा है, कभी वहाँ लोगों को जला के मार दिया जाता है, कभी लाल किले पर गलत 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 नहीं है, प्लीज विनोद जी गलत नहीं, देश का किसान वहाँ पर भी जो बैठे हैं वो भी किसान ही है। मैं उनको आप ये झुठला नहीं सकते, बिल्कुल किसान नहीं है, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ब्रिजेन जी, आपका क्या कहना है इन तमाम बातों पर? किसान खेतों में है, देखिए देश के अन्नदाता किसानों का अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। इन्होंने बहुत गंदी बात कही तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग रेप करा करके, हत्या करा करके उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने मुद्दे बताइए, आप ब्रिजेन जी अपने मुद्दे बताइए कि आप 2022 में आप बहुत बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आप अपने मुद्दे गिनवाइए कि किन मुद्दों पर आप आगे जाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे आप। हम केवल जन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जो असली समस्या है बेरोजगारी की, अगर ये कहीं गाँव से जुड़े हों तो फसलों का मूल्य ना मिलने की, दो दो साल से गन्ना मूल्य बकाए का भुगतान ना होने की, स्कूलों में जो वित्तीन टीचर है दो साल से वेतन नहीं पा रहे हैं उनकी समस्या, जो लोग अपनी गाड़ी में तेल नहीं भरवा पा रहे हैं उनकी समस्या, और जो इतना झूठ है उसका एक्सप्लोजर करना, और जनता की तमाम जो मुद्दे, ये जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये तमाम मुद्दे 70 सालों में आपकी जब सत्ता थी तब भी चले आ रहे हैं, तब से ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब से किसानों की ऐसी ही दयनीय स्थिति बनी हुई है, कुछ बदला नहीं है। हालांकि देखना ये है कि आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं क्या उस पर जनता आप पर विश्वास करेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो विश्वास नहीं कर पा रही। एक जिसके दल का काम होता है जनता के मुद्दे को उठा करके जनता के साथ खड़े होना, विश्वास करना ना विश्वास करना उसको है, जनता लोकतंत्र में जनता भगवान है, हम उसकी समस्याओं को लड़ेंगे, अगर उसे अच्छा लगेगा कि नहीं उसकी इशू पर चुनाव होना चाहिए तो हमारे साथ होगी, अगर उसे लगेगा कि नहीं बकवास चीजें हवा हवाई सपने हवा हवाई किले पर छोड़ देना चाहिए तो वो फैसला करेगी, हम जनता को फोर्स नहीं कर सकते, हम केवल जनता के हित के लिए लड़ सकते हैं। मैंने यही कहा ब्रिजेन जी कि जनता विश्वास करती है या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है विनोद जी, आपने कहा कि अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हम राजनीति नहीं कर रहे, चलिए आप मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए कि इस बार आप कौन से एजेंडे लेकर 2022 के चुनाव में उतरने वाले। मंथन तो बहुत हो रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनके द्वारा मीटिंगें भी हो रही हैं, सहयोगी दलों का भी, आपकी मांगे भी बढ़ गई हैं, तो इस बीच में आप कौन सा एजेंडा लेके उतरने वाले हैं? हमारा केवल और केवल एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडे पे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। और जैसा कांग्रेस के बारे में तो बता दूं आपको, कांग्रेस तो सीधा सीधा वॉकओवर दे चुकी है, वो देखना राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा, अयोध्या का जिक्र नहीं होगा कहीं पे भी, डेवलपमेंट का जिक्र होगा, जहां भी होगा विकास की बातें होंगी, विकास मुद्दा होगा। ठीक है, मैनिफेस्टो में यानी कि अयोध्या का, राम मंदिर का जिक्र नहीं होगा, हम ये मान ले नहीं,
बताता रहो, विकास होगा, अयोध्या का विकास आपको बताया मैंने, विकास जहां भी होगा, जिससे रोजगार सृजन होगा, उसका हर चीज की चर्चा होगी मैनिफेस्टो के अंदर। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होगी, चर्चा क्यों नहीं होगी, अयोध्या के अंदर सरकार ने इतना काम किया है, उसकी जरूर चर्चा होगी, चाहे जितने भी विकास के हमारे मुद्दे हैं सब पे चर्चा होगी। और कांग्रेस पार्टी आप देखना चुनाव के अंदर फिर से शून्य पे रहने वाली है, जैसा कि उसने बंगाल के अंदर किया था, उसे पता है कि अगर वो फील्ड में आएगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। और इसीलिए प्रियंका गांधी ना तो आज दिख रही ना कल दिखेंगी, चुनाव तक कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और बृजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दावे तो बहुत ठोके जा रहे हैं, विकास की बातें की जा रही है कि हालांकि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि देखना अहम होगा कि जनता किसे चुनती है और जनता वो विकास के मुद्दों पर सहमति बना पाती है। क्या जनता इन्हीं विकास को लेकर चलती है या फिर विजन ऑफ डॉक्यूमेंट जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया है उसको लेकर मुद्दा नया बनाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।